नारद जी महाराज पहुंचे हैं जहां पर तीनों देवियां खड़ी हुई हैं। पूछा, श्रीमन लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, नारद, ओ बेटा नारद इधर तो आओ। नारद जी बोले, आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, बहुत मीठा बोल रही है। होता है जब अपना कोई काम निकालना होता है ना तो बहुत मीठा बोला जाता है, बहुत मीठा। आज माँ बहुत मीठा बोल रही। नारद जी ने पूछा, हाँ बोलो मैया क्या बात है। नारद, तूने कहीं पिताजी को देखा है? नारद जी बोले, हाँ मैया देखा है। कहाँ है? पलना में झूल रहे अनसुईया जी के घर में। इतने में लक्ष्मी जी बोली, तेरे में अक्ल है थोड़ी, इतना बड़ा हमारा पति कोई पलना में झूलेगा? नारद जी बोले, मैया आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, मैं चलता हूँ। इतने में पार्वती जी ने बुलाया, नारद इधर आ, इधर आ जरा। बोलो माँ, देख मेरा पति तो किसी के लेन में न देन में, उसके तो गले में सांप और कानों में बिच्छू, कौन पकड़ेगा उसको और कौन रखेगा उसको? मैया पलना में झूल रहे हैं। पलना में, हाँ, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी को भी कह दिया पलना में झूल रहे। तीनों देवियों ने पूछा, नारद अब हमारे पति को लेकर कैसे हैं? नारद जी ने कहा, जैसे वो मांगने गए थे ऐसे तुम चली जाओ। इतने में लक्ष्मी जी बोली, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया मेरे आगे हाथ फैलाए, मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगी मांगने। इतने में पार्वती जी बोली, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी संपदा, मेरा पति मेरी दौलत है। आपने देखा होगा जितने भी तीज त्योहार के व्रत हैं सौभाग्य के लिए, वो सब पार्वती जी के हैं। तीज को देख लो, चतुर्थी को देख लो, पंचमी, जितने भी व्रत उठाकर देखोगे सारे पार्वती जी के, सब पार्वती, सारे माता जगदम्बा के। क्यों? क्योंकि पार्वती जी कहती हैं, मेरी जो दौलत है वो मेरा पति है, मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके बिना रह नहीं सकती, जगत जननी अम्बा जगदम्बा कह रही हैं, ठीक है। मैया पलना में झूल रहे, पार्वती जी को भी कह दिया, ब्रह्माणी को भी कह दिया। तो नारद जी से पार्वती जी ने पूछा, एक बात बताओ नारद जी, हम हमारे पति को लेकर कैसे हैं? बस एक काम करो, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम मांगने चली जाओ। अरे तो हमारे पति तो मांगने गए थे तो वो तो चल गया, पर हम मांगने कैसे जाएं? बस जैसे वो ब्राह्मण थे तुम ब्राह्मण ही बन जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख लिया तीनों ने, और तीनों भिक्षा मांगने जा रही हैं। ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए चली। लक्ष्मी जी बोली, मैं तो मांगूंगी नहीं। पार्वती जी बोली, मैं मांगूंगी, चलो चलो। तीनों ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। जैसे ही बोली माता भिक्षाम देही, इतने में शंकर भगवान तो बीच में सो रहे थे, उनके कानों में पार्वती के शब्द सुनाई दिए। होता है 100,000 जनता भी बैठी रहे तो पति अपनी पत्नी की आवाज पहचान जाता है, शब्द कैसे। कहां बैठी है वो तक पहचान जाएगा, वहां बैठी है। एक बार निकल कर जाएगा उतनी देर में देख लेगी कहां बैठी है, उतनी शब्द का संबोधन। भगवान शंकर ने सुन लिया, पार्वती जी आ गई, आवाज दे रही है माता भिक्षाम देही। इतने में भगवान नारायण और ब्रह्मा सो रहे थे, भगवान शंकर ने दोनों को कोनी मार के कह दिया, मेरी तो आ गई है, मुझे लेने के लिए आ गई है, अब तुम्हारी आई कि नहीं आई वो पता नहीं है दादा। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अकेले चले जाओगे? तीनों साथ आए थे ना, तीनों साथ चलेंगे, भगवान अकेले नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, ठीक है अकेले नहीं जाना है तो एक काम करो, रोना चालू करो। जैसे ही अनसुईया जी दरवाजा खोले ना अपन रो, तो उससे क्या होगा, अनसुईया जी दरवाजा खोलेगी अपन रोएंगे तो अनसुईया जी को लगेगा कि ये तीनों की तीनों ने नजर लगा दी अपने बच्चों को, अब नजर लगा दी तो अनसुईया जी इनको भगा देगी और अपन आराम से तीनों रहेंगे।
ठीक है, इनको भी सबक मिल जाएगा। अर्रो जैसी अनसुईया जी ने दरवाजा खोला और ये अंदर आई, और इतने में तीनों देवता रोए। जैसे ही रोए अनसुईया जी समझ गए, इन तीनों ने आते से ही पलने में झांका है, इन तीनों की नजर लग गई होगी। निकल जा बाहर, बाहर निकलो, तीनों बाहर निकलो। तीनों को बाहर निकाला, अनसुईया जी अंदर गई, तुरंत बच्चों को नजर उतारने का सामान लाई कि पैर की धूल बमूल का कांटा, नजर उतारने का सामान, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा। मिर्ची ज्यादा लाई, एक एक की 21-21, और तीनों पैसे उतार के चूल्हा में जो डाला, अग्नि में जैसे ही डाला, डालते ही मिर्ची की धांस बाहर गई। तो इतने में पार्वती जी लक्ष्मी से बोली, अरे लक्ष्मी जरा अंदर झांक के तो देख, बहुत मिर्ची की धांस आ रही है, कहीं अपने पतियों को तो नहीं झोंकी आई, देख जरा अंदर। अब दरवाजे में थोड़ी सी सरंग थी, थोड़ी सी दरवाजे में रहती थी पहले, आजकल तो प्लाई के हो गए तो कोई सरंग नहीं रहती। आज के ज़माने में तो बहुत अंतर आ गया दरवाजे में, पहले के दरवाजे और आज के दरवाजे में कितना अंतर है। पहले का दरवाजा होता था छोटा, आज का दरवाजा ऊंचा। पहले का दरवाजा छोटा क्यों होता था, कि कितने भी पैसे वाले की लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ जाए, पर हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, दो चार बार दरवाजा छोटा रहेगा तो माथा भड़केगा तो अपने आप झुकेगी, इसलिए दरवाजा छोटा होता था। आजकल हो गया दरवाजा ऊंचा, तो बहुएं भी कोई सुने, कोई सुनने वाले, दरवाजा ऊंचा सुनती नहीं। मेरा निवेदन है, आज ही जाओ अच्छा जोरदार पट्टिया ठुकवा दो, झुकना सीख, झुकते रहना चाहिए। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मुर्दा है। एक संत ने मृत्यु के समय पर कहा, देख मेरे मुंह में कितने दांत बचे जरा बता, तो दूसरे ने कहा एक भी नहीं है, और कुछ है मुंह में, कि जिब्या है। संत ने कहा ऐसे ही होता है, जो अकड़ करता है वो टूट कर गिर जाता है, जो नम्र रहता है वो सदा बना रहता है। ये नम्रता है, जो नम्र बना रहेगा वो सदा बना रहेगा। जो अकड़ रहा है धन में, वैभव में, प्रतिष्ठा में, यश में, जिसको अकड़ है, अहंकार है, वो टूट कर गिर गए। जिसमें नम्रता है वो चलकर देखो, पूरे चलने वाली जगह पे भी मार्बल लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा। एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर पुजा रही है, और एक मार्बल पांव रखने के काम आ रहा है, जूता रखने के काम आ रहा है, चप्पल रखा रही है, लोग थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, चल रहे हैं। मार्बल वही है, एक ही खदान का है, एक ही दुकान का है, एक ही जगह का है। बस अंतर इतना है कि जिसने मूर्ति बनाते समय चोट को सहन कर लिया वो मंदिर के अंदर देवता बनकर पूजा गया, जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जूते रखाने के काम आ रहा है। जिसने चोट सहन कर ली वो मंदिर में देवता बन गया, जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जूते रखा। लोग गाली दें, अपशब्द कहें, ताना दें, चोट दे रहे हैं तुम्हें संवारने के लिए कि तुम अच्छे बन जाओ। मीराबाई को कितने ताने दिए, रामकृष्ण परमहंस जी को कितने ताने दिए, नामदेव तुकाराम जी को कितने ताने दिए। अपशब्द कहते थे लोग, ताने देते, क्यों? संतों को ताने देकर तराशा जाता है। घर के लोग हमें भी ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, तराशने के लिए कि जितना दुख हमने सहन करा उतना तुम्हें सहन करने को ना मिले, इसलिए तराशा जाता है। भगवान रोए, बाहर निकाल दिया, नजर उतारी है, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा, ले उतार कर जो जो होगा। सरंग थी दरवाजे में, सरंग, उस सरंग में से माता लक्ष्मी अंदर झांकी है। पीछे से नारद जी ने आकर कह दिया, वाह मैया, आप दूसरे के घर में झांकी हो। आज से पृथ्वी पर जो माताएं जन्म लेंगी इनको घर से कम मतलब रहेगा, दूसरी जगह से ज्यादा मतलब रहेगा। पड़ोसन क्या कैसी रंगोली बनी, उसने कैसा दिवाली पे डेकोरेशन करा, कौन सी साड़ी ली, कौन सी रकम बनवाई, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी बहू कैसी आई, तो उसकी बहू क्या कर रही है, कैसे निभा रही है, क्या बोल रही है, इसके दूसरे के घर से मतलब है, खुद के घर से कोई मतलब नहीं।
क्योंकि लक्ष्मी जी झांकी है अनसुईया जी के घर में, अनसुईया महारानी के दरवाजे झांकने का प्रभाव। और बुरा जो देखन में चला, फिर बुरा ना मिलिया, बुरा कौन है? अपना मन। वही बात आ गई ना, कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता, समुद्र खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, गुलाब में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तेरे में कमी एक ही है कि दूसरे की बुराई देख रहा, केवल बुरा चुन रहे, केवल बुरा निकाल। अच्छा देखिए,